गजरी सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी पोएम फर्स्ट प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उस काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। उन काव्य के कवि हैं रैदास। रैदास का जन्म सन 1388 और निधन सन 1518 में अनुमानित है हुआ था। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। किस रैदास का कोई समय ऐसा चौकस पता नहीं है कि अनुमान किया गया है कि रैदास कवि कबीर के समकालीन समान समय के हो सकते हैं। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। अब लास्ट पैराग्राफ में काव्य का सार बताया है कि यहाँ संकलित जो पद हैं उनमें रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। कोई भी ऐसा समय हो, मुश्किली आए या कुछ भी हो, तो उस समय मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में डूब जाना चाहता हूँ। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ, मतलब कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है। अब हम काव्य देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी, रैदास ने जाकी का अर्थ कहा है जिसकी, और अंग अंग का अर्थ है शरीर के सभी अंग, और बास का अर्थ है सुगंध, और समानी का अर्थ है भर गई या व्याप्त हो गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग में बास समानी। मतलब संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। मेरे संपूर्ण शरीर में अंग अंग में भर गई है। समझ में आया बच्चों? आगे दूसरी लाइन, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। यहाँ पर घन का अर्थ बताया है बादल, और बन का अर्थ है जंगल, और मोरा का अर्थ है
मोर। चितवत का अर्थ है देखता है और चंद का अर्थ है चांद और चकोरा का अर्थ है चकोर पक्षी। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगते हैं, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। यहाँ पर मोर और बादल और चातक पक्षी और वर्षा ऋतु की बात की गई है। उन उदाहरणों से संत रैदास ने कहा है कि कवि, हे प्रभु, आप बादल हैं तो मैं आपका जंगल में जंगल का मोर हूँ, और मैं आप वर्षा ऋतु के काले बादल हैं तो मैं आपका चातक पक्षी हूँ। आगे तीसरा पद, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पद में कहा है कि बाती, बाती का अर्थ है बत्ती या दीपक या ज्योत, और ज्योति का अर्थ है ज्योति, बरे का अर्थ है जलती रहती है। यहाँ संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। यहाँ पर दीपक और ज्योति के बारे में बताया है कि जैसे दीपक अपनी रोशनी ज्योति के रूप में देता है और उसका प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार संत रैदास भी कहते हैं कि मैं भी अपना अस्तित्व खोकर सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति में ही डूबा रहता हूँ, आपकी भक्ति की ही मुझे एक अभिलाषा है या इच्छा है। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। इस पद में कवि ने कहा है सोन ही मतलब सोने में, और सुहागा, सुहागा का अर्थ है क्षार द्रव्य जो सोने को गलाने के लिए काम आता है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती के भांति हो और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं और वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। इस पद में कवि सोना और सुहागा की बात कर रहे हैं कि जैसे सोने को गिला कर जो गालने के लिए सुहागा उपयोग में लिया जाता है, कि कोई भी ज्वेलरी या कुछ बनाना हो तो पहले सोने को क्या किया जाएगा, गाला जाएगा, उसके बाद उसमें सुहागा मिलाया जाएगा। तो वैसे ही प्रभु, यहाँ पर संत रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। जैसे सोने में सुहागा मिलना रहता है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा,
ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर स्वामी का अर्थ है मालिक, दासा दासा का अर्थ है गुलाम अथवा सेवक, और करे करे का अर्थ है करता है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है कि मैं तो आपको अपना मालिक समझता हूँ और मैं खुद आपका सेवक हूँ, और इसी प्रकार मेरी भक्ति तो आपके लिए क्या हो गई है, समर्पित कर दी गई है कि मैं आपके भक्ति में हमेशा डूबा रहना चाहता हूँ। समझ में आया बच्चों? आगे ये जो भी मैंने शब्दार्थ आपको बताए हैं वो सारे शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे शब्दार्थ दिए हैं वो शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न कि प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है? तो प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? तो उसका आंसर आएगा भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब उसमें सुहागा मिलाया जाता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। आगे दूसरा प्रश्न जो है वो दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका क्वेश्चन है, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूँ? वो आपको अपने शब्द में लिखना है। जो हमने आपके आगे जो काव्य में हमने देखे हैं कि कितने सारे उदाहरण के द्वारा रैदास जी ने कहा है कि प्रभु तुम ये है तो मैं वो हूँ, प्रभु तुम ये हो तो मैं वो हूँ, ऐसे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बताया है। और ये सारे उदाहरण आपको अपने वो आंसर में लिखने हैं। थर्ड प्रश्न जो है वो जोड़ बनानी है। तो चंदन के साथ कवि ने किसको बताया है? तो पानी। फिर धन बन के साथ आएगा मोरा। फिर दीपक, दीपक के साथ आएगा ज्योति। सोना, सोना के साथ आएगा सुहागा। और भक्त, भक्त के साथ आएगा रैदास। ये सारा पूरा स्वाध्याय जो है वो आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।